अग्नि जला सकती है, शस्त्र से काट नहीं सकता है, पानी इसको भिगो नहीं सकता है, हवा इसको सुखा नहीं सकती है। आज बाबू दर्शन सिंह के लिए थोड़ी देर हम बह रहे, बाबू दर्शन सिंह ने मिशन चलाया, लाखों करोड़ों लोग मृत्यु भोज के लिए उनके तो पास गवर्नमेंट का खजाना जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भक्तगण बताए जो शांति पाठ करवा रहे हैं, इससे हमारे मृतक आत्मा को कौन सी शांति मिलती है, किस शांति से उनका मोक्ष होता है? पूर्वजों ने तो इसके लिए बहुत सारी क्रियाकलाप बताए, भगवान राम रहे उन्होंने मृत्यु भोज के लिए कभी खंडन नहीं किया, योगी राज कृष्ण ने अपने ससुर क्या नाम तो उस मृत्यु पर अपने पुत्र के द्वारा उनका अंतिम संस्कार करवाया, धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित कुंती के अग्रज पुत्र जब कर्ण के पास पहुंचे जहां कुंती बैठी रो रही है, और वहां पर भी उन्होंने पूछा मां तू यहां किस लिए रो रही, तो उन्होंने बताया था, पहले तो कुंती मां कुछ बताने के लिए कतराई, लेकिन तब तक योगी राज कृष्ण ने स्वतः कह दिया, भैया तुम्हें नहीं मालूम ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारी मां का सबसे बड़ज्येष्ठ पुत्र है। धर्मराज आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, मां तूने ये क्या किया, बड़े भाई को मार करके इतना बड़ा संघर्ष किया, अरे भाई तो राज करता था, मुझे क्या जरूरत थी इसकी, ऐसे राज की मुझे जरूरत नहीं थी, मां उन्हें कलंक गलत किया, अब तू मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे ही नहीं पूरी नारी जात के लिए श्राप देता हूं कि आज से किसी भी महिला को कोई भी गुप्त बात कभी भी उसके हृदय में नहीं छुपेगी। तो जो जिस चीज को कोई नहीं बंद करवा पाया, आज उसको बाबू जगजीवन राम, बाबू दर्शन सिंह और उनके अनुकरणीय लोग समाज में कुप्रथा तैयार किए हुए हैं, ये कब तक चलेगी और कैसे इसकी पुनरावृत्ति होगी। इसलिए हे सज्जनों, जरा ध्यान दो, जिसने पूरी जीवन भर तुम्हारे साथ समय दिया, तुम उसके लिए अंतिम संस्कार पर जो उनके उसके लिए 13 दिन तक का व्रत उपवास नहीं कर सकते हो, उस आत्मा की शांति के लिए तुम थोड़ा सा दान नहीं कर सकते हो। राजा हरिश्चंद्र ने तो अपने सत्यवादी में बदने कारण सारा राज धन दे दिया, और सत्यता में उन्हें अपना पुत्र पत्नी के सहित बिकना पड़ा और अपने लक्ष्य को उन्होंने निश्चित किया। रंतदेव ने 49 दिन भोजन नहीं किया, अतिथियों का सत्कार किया, अब तुम अपने पूर्वज के लिए तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है, बड़े खेत का विषय है। बोल सियावल रामचंद्र की।